Good morning, family members. First of all, don't forget to subscribe my channel. आज मेरा यहाँ पे तीसरा दिन है, अभी उठा हूँ मैं, तो चलिए प्रेशर करके मिलता हूँ आप लोग से। देखिए पानी ऐसे बन चुका है, वेलकम बैक गाइस। आज मेरा साइट में तीसरा दिन है, मैं अभी साइट पे पहुंच चुका हूं। दोस्तों मैं पिछले कुछ दिन से ब्लॉगिंग कर रहा हूं और अभी तक मैंने खुद को इंट्रोड्यूस नहीं किया, तो मैं थोड़ा अपने बारे में कुछ बताना चाहता हूं। मैं खुद को इंट्रोड्यूस करना चाहता हूं। मेरा नाम है तोरम पादो, मैं काइंग से बिलोंग करता हूँ जो कि है सियांग डिस्ट्रिक्ट अरुणाचल प्रदेश में। प्रोफेशन से मैं इंजीनियर हूँ, सिविल इंजीनियर हूँ। फिलहाल मैं इस प्रोजेक्ट में एज ए साइट इंजीनियर काम कर रहा हूँ। बीइंग ए सिविल इंजीनियर मुझे अलग अलग साइट पे, अलग अलग जगह पे जाना होता है, इसलिए मैंने सोचा कि ब्लॉगिंग शुरू करूँ ताकि मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। तो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब भी कर दें। कल हमने किया तो ट्रैक्टर से राइड और आज फोकलेट से राइड करने वाले हैं, तो बेटर से। तो दोस्तों अभी है लंच टाइम, ये मेरा आज का लंच। बैंक चावल है, बैंगन है और ये आज का स्पेशल याक का मीट। तो आज मैं आप लोगों को इस प्रोजेक्ट के बारे में कुछ डिटेल्स शेयर करना चाहूँगा। ये रोड बेसिकली हमारे फौजी भाइयों के लिए बनाया जा रहा है। ये प्रोजेक्ट, हमारा प्रोजेक्ट दिरंग टू तवंग के बीच में है। 33 किलोमीटर का प्रोजेक्ट है हमारा। दिरंग टू तवंग
का मेन हाईवे अलग जगह पे है, अलग रास्ते से है। ये सिर्फ फौजी भाइयों के लिए बनाया जा रहा है इस सिंगल लेन रोड को, ताकि वे इमरजेंसी के समय बिना ट्रैफिक प्रॉब्लम के जल्दी तवांग पहुंच सके। अब क्या कर रहे हैं आप में? अभी काम कर रहा है, अब भी काम करता है क्या? लो आपका नाम क्या है? हिंदी नहीं जानता है? छोटे छोटे बच्चे भी नहीं वे कैसे सर्वाइव कर पाते हैं। लिप्स और स्किन का हालत देखिए, ये हमारा बोल्डर क्वारी, यहीं से हम इस साइट का बोल्डर सप्लाई करते हैं। हम इन चट्टानों को जैकहैमर और विस्फोटक की मदद से पोर के इस तरह फोर के हम साइट पे सप्लाई करते हैं। यहाँ पे रेस्ट वर्क के लिए एक्सकेवेट किया जा रहा है, तो मैं प्रेशर सिविल इंजीनियर्स के लिए बता दूँ, जो वॉल हिल साइड पे बनता है उसे हम रेस्ट वॉल कहते हैं। कि ये हिल है तो वॉल बनेगा तो उसे हम रेस्ट वॉल कहते हैं, और अगर हम वैली साइड पे वॉल बनाते हैं तो उसे हम रिटर्निंग वॉल कहते हैं। ब्लॉकिंग के लिए तैयार किया जा रहा है एक पत्थर, इसके पत्थर से हाथ नहीं रहा था इसलिए इसे ब्लॉकिंग करके इसके बाद हटाएंगे। इंस्ट्रूमेंट का नाम है जैकहैमर, सबसे पहले चेक करेंगे पत्थर में।
कास्टिंग का सामान फिक्स किया जा रहा है। ब्लास्टिंग होने वाला है, जामन कितने का होगा? तो दोनों का क्या वस्तु है यार? का आवाज सुनाई दिया होगा आप लोग को। अभी हम देखने जा रहे हैं पत्थर का क्या हाल हुआ होगा। आप देख सकते हैं पत्थर का चित्र उठ चुका है। अब इसे एक्सकेवेटर से साफ किया जाएगा। गाइस आज का ड्यूटी यहीं पे समाप्त होता है। अभी बज गए शाम के 5 बजे। अभी हम कैंप की ओर निकलेंगे। जाने से पहले आपको शाम का नज़ारा दिखा देता हूँ।
चारों ओर भोग ही फैल चुका है। और चंदा मामा भी दिखाई दे रहा है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं।